अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक है, खैरे से हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद के 3 दिन तो अब गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ना, लोग घूमने फिरने में मसरूफ़ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पार्क में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम लोग भी पार्क चले गए थे। ईद के 4थे दिन की वीडियो है ये, तो हम भी पार्क चले गए थे वैसे ही। लेकिन जब पार्क जाकर देखा तो यहाँ तो मेला लगा हुआ था और बेइंतहा रश था। तो हम तो बस यूं ही निकल आए थे, हमने सोचा चलो वीकेंड है, बाहर निकलते हैं, पार्क चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। यूं ही घर में बैठे बैठे बस बोरियत ही हो रही थी। तो जब पार्क गए तो देखा यहाँ तो बेइंतहा रश लगा हुआ है और बहुत लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं और सब लोग बेइंतहा इंजॉय कर रहे हैं भाई। तो हमने कहा यार, हम तो घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे थे, बहुत अच्छा किया कि हम यहाँ आ गए। और जब यहाँ आए ना, तो यहाँ की रौनकें देखकर दिल खुश हो गया। और जो मौसम हो रहा है ना, मौसम देखें आप लोग, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बादल छाए हुए थे। और ये ना एक दिन की पहले की वीडियो है, और इसके जो दूसरे दिन जो बारिश हुई है ना, यानी आज जो बारिश हो रही है ना कराची में, तो बेइंतहा बारिश हुई है, पूरा दिन हो गया बारिश हुई है और मौसम बेइंतहा खूबसूरत हो गया है। एनीवेज़ लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं और फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। इस पार्क की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करते हैं, फैमिली के बगैर अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और तो फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर, बच्चों को लेकर आती हैं और लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी काफ़ी गुंजाइश थी यहाँ पर। पहले तो जब हम अंदर एंटर हुए ना, तो देखा इतना ज़्यादा रश है, पता नहीं बैठने के लिए जगह मिलेगी भी या नहीं। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो पहले हम विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पे सारे झूले वगैरह थे, सारे बच्चे झूले झूलने में मसरूफ़ थे और यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे जिनमें छोले और हलीम और गोलगप्पे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। उसके अलावा कुछ लोग सेल कर रहे थे, चीज़ें सेल करने के लिए स्टॉल्स लगाए हुए थे, आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बस बच्चे झूले झूल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बस हमने यहाँ पे आकर, मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कहा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग भी मेरी वीडियो को देख कर इंजॉय करें और थोड़ा आपका भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए। अगर पॉसिबल हुआ करें तो आप लोग भी घर के करीब बने पार्क में चले जाया करें, थोड़ी वॉक कर लिया करें, थोड़ी चहलकदमी करने से अच्छा फील होता है। और यहाँ पे देखें बच्चे किस तरह से झूले झूल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, देखकर दिल तो मेरा भी चाह रहा था झूले झूलने का, लेकिन झूलने के बाद ना मुझे कुछ अजीब सी वॉमिट सा फील होता है, तो इसलिए मैं राइड्स कम ही लेती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आई हुई हैं, देख लें इस तरह से चीज़ें आई हुई नहीं, मतलब लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए। तो ये चना चाट भी यहाँ पर है। खैर हमने तो यहाँ से कोई चीज़ नहीं ली क्योंकि हम खाना खा कर निकले थे, हम फुल थे तो कुछ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो बस यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। और हाँ, ये जो कश्ती वाला झूला है ना, ये बहुत बड़ा झूला था, ये दूर से शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा झूला था। और बस बच्चे इसमें झूल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, लाइटिंग अच्छी हुई हुई थी यहाँ पर और अंधेरा भी हो गया था लेकिन फिर भी लाइट्स थी यहाँ पर। वैसे नॉर्मल रूटीन में इतनी लाइट्स नहीं होती हैं यहाँ, लेकिन ईद की वजह से आई थिंक ये सारा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया था और काफ़ी रौनक लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ज़ू भी बनाया था छोटा सा, और इसके अलावा यहाँ पर भूत बंगला भी बनाया हुआ था छोटा सा, इन्होंने इस तरह से अरेंज किया हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी चेंज लग रहा था। वरना नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सिर्फ सिंपल से चंद झूले लगे होते हैं और वो बच्चे झूल रहे होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैंने वहाँ पे इंतज़ामिया से पूछा था कि ये कब तक ये स्टॉल्स वगैरह लगे रहेंगे, तो उन्होंने कहा था कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, शायद संडे तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो आज संडे है और आज तो मेरा ख्याल है शायद स्टॉल्स भी नहीं लगे होंगे, क्योंकि आज जो है ना वो सुबह से बारिश हो रही है और बारिशों की वजह से स्टॉल्स नहीं लगे होंगे। अच्छा, कल जब हम इस पार्क में गए थे ना, तो इतने ज़्यादा बादल छाए हुए थे, काले बादल, और ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हुई कि तब हुई। और जबकि इतना खुला पार्क था, उसके बावजूद इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि इतना हब्स क्यों हो गया, और बादल जो इतने छाए हुए थे इस वजह से हब्स हो गया था। और मुझे पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि दूसरे दिन इतनी बारिश होने वाली है, क्योंकि कराची में ना बारिशें बहुत कम होती हैं और अप्रैल के महीने में तो बारिश कभी नहीं होती है। तो
तो इस दफ़ा अप्रैल के महीने में बारिश हुई और खुल के बारिश हुई है, और मौसम इतना खूबसूरत हो गया है ना, इतना ठंडा मौसम हो गया है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई, यहाँ भी मौसम बेहतर हुआ, नहीं तो कुछ दिनों पहले तो बहुत गर्मी थी। अच्छा, यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए थे ना, वो स्टॉल्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे बच्चों की टॉयस वगैरह, कीचेन और रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी लोगों ने, और इनके प्राइस जो है ना 100, 150, 200 इस तरह से इनके रेट थे। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी, इस तरह से इनके रेट थे। और ये कीचेन वगैरह है, और काफ़ी अच्छे किचन थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 100, 150 में तो किचन ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जो ये कभी ख़राब भी नहीं होंगे, कभी टूटेंगे भी नहीं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, पसंद आए। वैसे तो इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत लाइक करते हैं कि किचन ले लें, बैग में लगाएंगे, तो मैं इनको दिलाती रहती हूँ अक्सर इस तरह की चीज़ें। तो खैर, आगे और भी काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ये हमारे बचपन वाला झुनझुना नज़र आया मुझे। अच्छा, ये क्यूब्स वाले किचन काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, छोटे से क्यूब्स और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये, कलरफुल। और ये जो है ना, साथ को काफ़ी पसंद है, साथ ने उठा के देखा और चेक किया कि ये इससे खेल भी सकते हैं या नहीं, तो देखा तो ये तो अच्छा अच्छा चल रहा था, मतलब इससे खेल सकते हैं आप, इसे 2 in 1 है, ये तो किचन भी है और क्यूब्स भी है ये, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। तो नीड नहीं थी किसी भी चीज़ की, ऑलरेडी हमारे पास बच्चों के पास इतने टॉयस वगैरह रखे हुए जो खेलते भी नहीं है ये ज़्यादा, इसलिए मैं अब इनके लिए ज़्यादा टॉयस वगैरह कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि बड़े हो गए ना, तो अब टॉयस टॉयस से इनका रुझान हट चुका है, अब दूसरी चीज़ों में, दूसरी एक्टिविटीज़ में इनका रुझान होता है। तो यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह हैं, ये शी के परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, इनकी प्राइस जो है 150 रुपीज़ ईच उन्होंने मुझे बताई थी। इनमें से कोई सा भी परफ्यूम आप बाय करें तो 150 रुपीज़ ईच इनकी प्राइस है, और सही होते हैं, बस ये मुनासिब होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी स्मेल बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन बस ठीक होते हैं ये, ओके ओके होते हैं। एनीवेज़, यहाँ पे इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं, लेडीज़ से रिलेटेड मेकअप वगैरह, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी उन्होंने लगाई हुई थी। अच्छा, ये लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी हट कर लगी थी, इसकी जो लुक है ना वो थोड़ी सी हट कर है ऊपर से, और लिपस्टिक का कलर भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पे रिंग्स हैं, रिंग्स आई हुई हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, रिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, कलरफुल है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये रिंग्स। अच्छा, आगे एक शॉप में जो रिंग्स लगाई हुई है ना एक अंकल ने, पठान भाई ने, तो वो भी काफ़ी अच्छी रिंग्स उनके पास हैं, और अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी ये, मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की है, मतलब 20 मिनट्स की वीडियो को मैंने ये 13 मिनट्स में किया है, तो आप लोगों के लिए बस मैं मेन मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये स्टॉल्स कब तक लगे रहेंगे। तो ये ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस की प्राइस उन्होंने 200 रुपीज़ बताई थी, बस मुनासिब से हैं ये, क्वालिटी की अगर बात करें तो मुनासिब है ये, ओके ओके है। अच्छा, यहाँ पे ये लेडी ने एक स्टॉल लगाया हुआ था, तो इनसे मैंने पूछा था कि स्टॉल्स के आप क्या पे करते हैं, तो उन्होंने बताया था 2000 रुपीज़ पर डे है। तो यहाँ पे ये रिंग्स जो है ना ये लगाई हुई थी उन्होंने, ये उन्होंने बताया ये इम्पोर्टेड माल है ये, और ये रिंग्स काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इनकी प्राइस उन्होंने 250 रुपीज़ बताई थी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ रिंग्स हैं। अच्छा, ये वाली जो है ना ये 150 रुपीज़ की है, और इसके अलावा जो रिंग्स हैं उनके पास उनकी प्राइस उन्होंने 250 रुपीज़ बताई थी। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आई थिंक ये वाली है या इससे आगे। इनके पास ना मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की रिंग्स थी, वो नॉर्मल मुझे मार्केट में नज़र नहीं आती, मतलब लोकल मार्केट में तो नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिंग्स थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इनके पास ज्वेलरी और कैचर्स वगैरह भी थी, कैचर्स थे इनके पास 100 रुपीज़ में, 100, 200 रुपीज़ में इनके पास चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मुझे इनके स्टॉल्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये कैचर जो है इसकी प्राइस उन्होंने 100 रुपीज़ बताई थी, और इसके अलावा इससे बड़े साइज़ में भी, अभी मैं आपको कैचर दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है देखें, कलर भी इतना खूबसूरत है, ये 100 रुपीज़ में एक कैचर है। और ये मैंने इनसे पूछा था, इसकी प्राइस पूछी थी, उन्होंने मुझे 450 रुपीज़ बताई थी। वैसे तो डिस्काउंट मिल जाता है चीज़ों में, बार्गेनिंग ज़रूर करवाया करें तो डिस्काउंट मिल जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी इनके स्टॉल्स पे, पोनी कैचर वगैरह,
और हेयर बैंड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के क्लिप्स ले लिए हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। अच्छा, ये वाला पैकेट जो है ना पोनियों का, उन्होंने मुझे इसके रेट 250 रुपीज़ बताए थे। वैसे ये ईच 50 रुपीज़ में इस तरह की पोनी वगैरह मिल जाती है। और ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, पेन वगैरह, पेन पेंसिल वगैरह, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आई हुई थी। और ये दुकानदार मुझे ये पेन दिखा रहे थे कि देखें इस पेन से आप लिख भी सकते हैं, इसमें लाइट भी चला सकते हैं, पीछे स्टैम्प भी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें मुझे दिखा रहे थे और ये 100 रुपीज़ इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी। और इनकी दुकान में ना बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी इनके स्टॉल्स पे, और इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई भी थी टॉयस वगैरह, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। कह रहे थे कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही है ना, तो ये भी अपलोड करना। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखाओ। तो बस वो अपनी चीज़ें दिखाने लगे थे और मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों की वीडियो बना रही हूँ। ये पेन वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी कलरफुल अच्छी चीज़ें आई हुई इनकी शॉप में, इनके स्टॉल में। तो ये तमाम चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बस मैं ज़्यादा चीज़ें बाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ देखती हूँ, देखने की हद तक भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये देखें कितने अच्छे टॉयज़ आए हुए हैं इनकी शॉप में, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और देख देख के ही मैं चीज़ें खुश हो जाती हूँ, चीज़ें बाय कर करके ना बस क्या होता है, आपका घर भर रहा होता है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ना हो ना, आप उसे बाय ना किया करें, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो बस वही लिया करें। तो यहाँ पे नेल्स है, नेल्स की प्राइस थी 150 रुपीज़। और इस तरह के यहाँ पे नेल्स आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे जो रिंग्स है ना, ये रिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, ईच रिंग की प्राइस है 100 रुपीज़। और ये काफ़ी खूबसूरत रिंग्स थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी जगमग भी कर रही थी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। किसी नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।